नमस्ते, वेलकम बैक ऑन माय चैनल जिम सर मैथ्स। अपन पढ़ेंगे क्लास 10th के लिए निर्देशांक ज्यामिति। तो इससे पहले मैं क्लास 10th के लिए बहुपद से संबंधित लगभग 30 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। उन सभी वीडियो की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आज अपन निर्देशांक ज्यामिति में प्रश्नावली 9.1 के सच्चे सवाल के सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। तो 9.1 का सच्चा सवाल क्या है? निम्न बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। अपने पास यहाँ दो बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक अपने को मालूम है। एक बिंदु के निर्देशांक है -1 और -1, दूसरे के हैं +8 और -2। तो निर्देशांक ज्यामिति में दूरी ज्ञात करने के लिए अपने पास एक दूरी सूत्र होता है। वो सूत्र क्या होता है उसे पहले देख लेते हैं। मान लो अपने पास दो बिंदु है ए और बी। अपने को ए और बी दोनों के निर्देशांक भी यदि मालूम है तो अपन इस दूरी सूत्र है √(x1 − x2)² + (y1 − y2) और इसके माध्यम से अपन दूरी निकालेंगे। जो भी अपने ये बिंदु हैं, इन बिंदुओं के जो निर्देशांक हैं, इनको इसमें रख देंगे तो अपनी दूरी क्या हो जाएगी। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, x1, y1, x2 और y2 का मान ज्ञात करेंगे। तो देखो x1 का मान हुआ -1, उसके बाद y1 का भी मान -1, x1 -1 और y1 भी -1, उसके बाद x2 का मान +8 और y2 का मान -2। ये मान ज्ञात हो गए। अब अपन दूरी सूत्र लगा देंगे। देखो दूरी सूत्र क्या है, अनरूट में छोटा कोष्ठक x1 - x2 ऑल स्क्वायर प्लस y1 - y2 ऑल स्क्वायर अनरूट वापस। अब ये जो सभी मान है इन मानों को यहां रख देंगे तो अपनी दूरी ज्ञात हो जाएगी। सबसे पहले छोटा कोष्ठक x1 का मान है -1, उसके बाद माइनस तो माइनस, x2 आपका है +8, ये आ गया +8, ऊपर स्क्वायर है तो यहां भी स्क्वायर प्लस का प्लस। अब यहां पर आप कोष्ठक लेंगे, उसके बाद है y1 आपका है -1, उसके बाद माइनस तो माइनस, y2 आपका -2 है तो -2 होने के कारण इसे छोटे कोष्ठक के अंदर रखेंगे, बड़ा कोष्ठक बन और फिर ऑल स्क्वायर। यहां बड़ा कोष्ठक लेने का कारण इसीलिए लिया क्योंकि ताकि -2 को छोटे कोष्ठक के अंदर रख दें और इन माइनस दोनों को अलग-अलग कर सके। ठीक है, अनरूट। अब छोटा कोष्ठक में देखो -1 और -8, -1 और -8 जोड़कर आपका हो जाएगा -9, ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस का प्लस, बड़ा कोष्ठक -1 माइनस गुणा माइनस, माइनस और माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस का 2, बड़ा कोष्ठक ऊपर है स्क्वायर। आगे बढ़ाते हैं, वापस अनरूट में रहने देते हैं, अनरूट में -2 का -9 का स्क्वायर, यहां प्लस का प्लस, यहां -1 और +2 आपस में जोड़कर आपका बन जाएगा प्लस का ए ऊपर स्क्वायर। आगे बढ़ाते हैं, अनरूट -9 का वर्ग, तो -9 गुणा -9 आपका हो जाएगा प्लस का 81 प्लस, इधर भी 1 का वर्ग 1 गुणा 1 आपका हो जाएगा 1, तो अनरूट 81 और 1 जोड़कर 82। तो इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या हो गई, अनरूट 82। ध्यान रहे निर्देशांक ज्यामिति में दूरी का कोई मात्रक नहीं होता, आप इसे मात्रक लिख सकते हो ओनली फॉर। बाकी क्लास 10 की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और हाँ, ऊपर से संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरी वीडियो के नीचे एक ऐसा साइन आ रहा है, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो उन वीडियोस की लिंक भी आपको मिल जाएगी। बाकी धन्यवाद।